नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को इमाम हजरत मौला अली के बारे में बताऊंगा, जिनका नाम आपने सुना होगा कि हर मुश्किलों को टालने वाले मौला मुश्किल कुशा के बारे में आपने सुना ही होगा। हजरत अली के नाम से आपने सुना होगा, मौला अली के नाम से आपने सुना होगा। आप जानते हो कि इनके अंदर शेर जैसी ताकत और इनके रहम दिली के वाकये आपने बहुत से सुने ही होंगे। जब भी कोई मुसीबत आती है, इनका नाम लेने से टल जाती है। बस आपने कहीं ना कहीं इतना तो जरूर सुना होगा, या अली मदद। जो इन्हें चाहते हैं ये उनकी भी हिफाजत करते हैं, और जो इन्हें नहीं चाहते ये उनकी भी गैब से मदद और हिफाजत करते रहते हैं। हजारों लाखों शेरों का दम रखने वाले हजरत इमाम अली, आज आपको मैं उनके बारे में एक ऐसी नियाज के बारे में बताऊंगा जो बहुत से कम लोग जानते हैं, जिनकी मुश्किलें सिर्फ उनका नाम लेने से दूर हो जाती है, या अली अल मदद। अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, या किसी ने ऐसी कोई विद्या छोड़ दी है, या किसी ने आपके कारोबार रोजी रोटी बरकत को बांध दिया है, या आपको किसी ने बीमार और मजबूर बना के रखा है, या आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया हो जो अदा नहीं हो रहा है, लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हो, ना ही कोई काम बनता है, ना ही रिश्ते आते, परेशानियां हर जगह से घेरे हुए हैं, मुसीबत पीछा छोड़ने का जब नाम ही नहीं ले रही है, तब आपको मौला मुश्किल कुशा के नाम पर न्याज करवानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस न्याज को दिया कैसे जाए, कि क्या कोई पढ़ने वाला आपको मिलेगा, क्या कोई इसको पढ़ सकता है। बेफिक्र रहिए, अगर कोई आपको पढ़ने वाला ना भी मिले तो भी आप इस न्यास को दे सकते हैं। कैसे, जिसका तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बस आपको इन चीजों की जरूरत है, जुमेरात यानी 5 जुमेरात तक आपको यह न्यास देनी है। सामान जो है वो एक गुलाब का फूल जिसकी पंखुड़ियां आपको तोड़नी है, चना लेना है, चना जो हम खाते हैं, खड़ी शक्कर, शीरनी जो सफ़ेद रंग की दरगाहों पर मिलती है, और मुनक्के जो अंगूर सूखने के बाद बनते हैं, और गुड़। इन सब सारी चीज़ों को आपको जमा करना है। उसका पूरा वजन 1.25 किलो होना चाहिए, यानी 250 ग्राम तक का वजन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर एक कांच की प्लेट या किसी भी थाली में रख दीजिए, सामने 2 अगरबत्ती लगाइए, कोई हो या ना हो अपना मुंह काबे की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ करें, और हाथ जोड़कर या आंखें बंद कर दुआ मांगे। अगर आपको दुआ आती है तो दरूद शरीफ पढ़े, नहीं आती है इसे कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। बस उनका नाम लेना है कि या अली मदद कर, मैं परेशान हूँ, मेरी ये मुसीबत है, इनको दूर कर। और उस न्यास को सिर्फ आपको बच्चों में बांटना है। जब भी कोई बच्चा अगर न्यास को खाकर आपसे दोबारा मांगे तो आप उसे बिल्कुल ना न कहे, दोबारा से दे। अगर तीसरी बार मांगे तो भी दे, क्या पता किस बच्चे के रूप में कौन मदद करने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह आपको 5 जुमेरात यानी कि गुरुवार के शाम 6 बजे के बीच आपको यह न्यास करनी है। अगरबत्ती जरूर लगाए, घर में लोभान की धुनी जरूर दे। आपकी परेशानियां और मुसीबतें कैसे दूर होगी ये आप देखते रहे, क्योंकि इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग मैंने काफ़ी लोगों से करवाया है, खुद भी किया है। इसका रिजल्ट मुझे हमेशा सही सही मिला है कि मौला मुश्किल कुशा के नाम में ताकत है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।